फ्रेंड्स, समोसे खाना तो हर किसी को पसंद होता है। यह हमारी शाम की चाय के साथ पहली चॉइस रहती है, या घर में कोई मेहमान आ जाए तो भी हम ज़रूर ये समोसे मंगा ही लेते हैं। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बाजार वाले समोसे घर पर किस तरीके से बनाएं इसकी रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फॉर यू क्रिएशंस। समोसे का आटा तैयार करने के लिए सबसे पहले हम एक परात में लेंगे 2 कप मैदा। आप चाहें तो यहाँ 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन का फ्लेवर समोसे में बहुत ही टेस्टी लगता है। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। इस तरीके से ऑयल ऐड करने से समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आप यहाँ पर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिल सके। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके आटा गूंथ लेंगे। यहाँ पर हमें आटे को थोड़ा सा हार्ड ही रखना है, हमें ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अगर आप इसी तरीके से ये समोसे बनाएंगे तो ये बिल्कुल बाजार जैसे ही बनकर तैयार होंगे। आटा हमारा गूंथ गया है। यहाँ आटा तैयार करने में मेरे को 1/3 पानी यूज में आया है। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए एक साइड रख देंगे। इतना हम आलू का मसाला तैयार करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं मसाला तैयार करने के लिए 3 उबले हुए आलू, जिसको हम हाथ से फोड़ लेंगे। आलू मसाला तैयार करने के लिए एक पैन लेंगे। पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब थोड़ा हल्का गर्म हो जाए 1/4 टीस्पून उसमें हींग ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 30 सेकेंड्स के लिए भून लेंगे। अब इसमें उबले हुए आलू ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें 2 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने समोसे के साथ खाई जाने वाली इमली की चटनी की रेसिपी भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी। आप वहाँ जा करके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला बनके हमारा तैयार है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। 10 मिनट बाद आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक बार और मल लेंगे और फिर इसके छोटी छोटी सी बॉल्स तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आप सभी लोगों के साथ स्ट्रीट स्टाइल पनीर रोल की रेसिपी कैसे बनाई जाए घर पे की रेसिपी भी शेयर करी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और आई बटन में भी। समोसा बनाने के लिए 1 चकले पे थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। फिर 1 लोई लेंगे और उसको बेल लेंगे। हमें लोई को ना ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ज़्यादा पतला रखना है। अब हम इसको बीच में से पिज़्ज़ा कटर या नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे और इसका 1 पार्ट लेंगे और उसको फोल्ड करेंगे पानी की हेल्प से, जिससे कि वो अच्छे से चिपक जाए और जब हम कढ़ाई में समोसा डालें तो वो फटे नहीं या खुले नहीं। अब हम इसके बीच में जो हमने मसाला तैयार किया था उसको भरेंगे। मसाला आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऊपर से भी इसको हल्का सा पानी लगा करके फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से दबा देंगे। समोसा बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से हम और समोसे भी तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब शाम के टाइम जब थोड़ी बहुत भूख लगती है और हम कुछ बनाने का सोचते हैं और हमें समझ नहीं आता है, तो ये उस टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप इसको बना करके चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। 1 कढ़ाई में हमने ऑयल रख दिया था और ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें समोसे डालेंगे। हमें ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होता है तो समोसे की जो ऊपर की परत होती है वो फूलने लगती है।
हमें मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना है। हमें समोसों को जब तक टच नहीं करना है जब तक कि ऑयल में ये ऊपर खुद से ना आ जाए। जब ये ऑयल में खुद से ऊपर आ जाए तब हम इन्हें दूसरी साइड पलट देंगे। इस तरीके से हम इन्हें पलट पलट करते हुए दोनों साइड से गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे। समोसे हमारे दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। ये बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। देखिए कलर भी इनका कितना अच्छा आया है। बस अब हम इन्हें इसी स्टेज से कढ़ाई से निकाल लेंगे। गर्मा गर्म समोसे बनके बिल्कुल तैयार है। आप इनको एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और नेक्स्ट आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं यह भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।